चाहते तो इधर हाय कर दो भैया को, आइए आप देख सकते हो गाइस कितना प्यारा ड्राइंग कर रखा है। ऊपर भी पत्थर, नीचे भी पत्थर, ऊपर जीप के लिए डंडा भी लगा दिया। आए हैं अभी लखनऊ से, आए हैं और बड़ा अच्छा लगा। हम जब वहां से चलकर के यहां तक आए पहाड़ तक। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो गई है सुबह, हम उठ चुके हैं और वो लोग रूम के अंदर हैं। देखो निकल रहे हैं, ये देखो कैसे तैयार होके होके निकल रही हैं लड़कियां। तो ये गाइस, हम जा रहे हैं गुरुद्वारे में मत्था टेकने और ये लड़कियां अभी तक बाहर भी नहीं निकली हैं। पता नहीं कितने देर से तैयार होने में लगी हुई है। चलो जाके देखते हैं इन्हें क्या करते हैं। तो गाइस, ये लड़की देखो तैयार हो गई है बिल्कुल। क्या लग रहा है? हमारी साली जल्दी जल्दी नहीं निकल रही है। हम सोच रहे हैं थोड़ा फोटो शूट कर लें, ठंडा ठंडा मौसम है, सुबह का नज़ारा, और निकलना भी हमें घर की तरफ। अब पता नहीं है क्या करने में लगी हुई है। चले चलो तो चले गाइस गुरुद्वारे में मत्था टेकने थोड़ा। तो गाइस, हम जा रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर क्योंकि अभी थोड़ा मत्था वगैरह भी टेकना है। मत्था टेक के हम जाएंगे थोड़ा फोटो शूट के लिए, उसके बाद हम निकलेंगे घर की तरफ, प्रस्थान करेंगे। अब देखो कितना समय लगता है घर पहुंचने में भी, वही लग जाएगा 4-4.5 घंटा समथिंग। सही। तो गाइस, कल ज़्यादा रात हो गई थी, इस वजह से ब्लॉग भी एडिट तो हो गया, ब्लॉग पर हम डाल नहीं पाए ब्लॉग को अभी, और आज शाम को जाएंगे घर तो उसके बाद ही ब्लॉग डाल पाएंगे। तो आप ज़रूर देखें ब्लॉग हमारा, इसी के साथ दिखाते हैं आगे का व्यू आपको। वाओ गाइस, वाओ गाइस, तो गाइज ये ग्राउंड है इधर, और आप चेक कर सकते हैं गाइज ये फूलों की बारियां। और ये यार, ये लड़की देखो बाहें फैलाते हुए। तो गाइज हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे का व्यू आपको, तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब पे। तो गाइज, आज की सुबह फिर बड़ी स्वामी है क्योंकि हम आए हैं बाबा के घर मत्था टेकने। तो हम लोग कल तो मत्था टेक के चले गए थे, शाम को आए थे जब, तो अब आज हम सुबह फिर जा रहे हैं, उसके बाद हम घर प्रस्थान करेंगे अपने। थोड़ा एक दो रील बनानी है और फोटो शूट करने हैं। तो गाइस, हम जा रहे हैं फिर गुरुद्वारे में और आपको दिखाते हैं आगे गुरुद्वारे का नज़ारा। तो आप मिलते रहिए। तो फाइनली गाइस, हमने मत्था टेक लिया, प्रसाद भी ले लिया है हमने। अब कोई पता नहीं, और अर्जी भी कटा ली हमने। ये लड़कियां यहाँ पे आ चुकी हैं और हम भी आ रहे हैं नीचे की तरफ, फिर थोड़ा फोटो शूट वगैरह करते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं घर की तरफ। तो चले रश्मि गाइस, हमने थोड़ा सामान वगैरह भी ले लिया है, तो अब हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं, प्रसाद लेना है थोड़ा। प्रसाद है, बताओ जल्दी कहाँ से लिए गए तुम दोनों प्रसाद? उस दुकान से। चलो ठीक, क्या किधर बोला? अच्छा, पूरा नीचे वाला बटिया बनाते हैं ये लोग, पेड़ के ऊपर बटिया बना रहे हैं। देखो गाइस, तो गाइस
गाइस यहाँ की शॉप है, हम ले लिया है प्रसाद और लड़की ले रही है प्रसाद यहाँ से। ये बिल्कुल रीठा साहब के गेट पे ही है ये वाली शॉप, आप यहाँ से ले सकते हैं सब कुछ, यहाँ पे सारा आइटम मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे प्रसाद ले रही है घर के लिए, तो गाइस हमने फाइनली प्रसाद ले लिया है और अस्मित के लिए कुछ तो मिल नहीं रहा, कड़े हैं, हाँ कड़े दिखा दे रहे हैं। तो गाइस अस्मित के लिए ले रहे हैं हम कड़ा, यहाँ पे कड़े तो बहुत भारी भारी अस्मित के लिए। हाँ तो फाइनली ये वाला कड़ा ले लिया उसके लिए। ये कितने का है? काफी हो चुका है, तो हम भी निकल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि ज़्यादा लेट में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। चंपावत से जाना है हमें और यहाँ की रोड तो थोड़ी ख़राब है जहाँ से हमें आना था। तो गाइस आप देख सकते हो ये वाला जगह नई बनी है गाइस, और ये वाली भी नई बनी है बिल्डिंग, और इस साइड भी नया हो रखा है, और आगे का तो वो पुराना वाला है आपको मैंने दिखाई दिया था। तो गाइस इधर भी आप चेक कर सकते हो, गुरुद्वारा के अंदर जाने के लिए थोड़ा गेट है यहाँ पे, और थोड़ा यहाँ निर्देश ऐतिहासिक दर्शा रखा है गुरु नानक जी के इसमें, तो गाइस आप पढ़ सकते हो। तो गाइस हम जा रहे हैं अपने रूम में और वहाँ से सारा बैग वगैरह लेंगे, और रूम जो हमने ले रखा था उसकी चाबी हम ऑफिस पे दे देंगे। तो शाम को हमारे और भी साथ के आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए रूम बुक करवा देना, आधार कार्ड वगैरह सारा कुछ भेज रखा है गाइस। तो अब देखो हम चाबी देने जाते हैं, मिलता है रूम नहीं मिलता है, क्योंकि ना मिल जाना है रूम। और यहाँ से काफ़ी लोग चले भी गए हैं, तो हम भी यहाँ से अब निकल रहे हैं। थोड़ा पैकिंग वैकिंग रह गया था रूम में और सारा सामान हमने रूम पे रख दिया था, तो उसके बाद अब हम थोड़ा निकलेंगे, तो आपसे मिलते हैं रोड पर आगे। तो गाइस आप देख सकते हो ना बढ़िया नज़ारा है, और ये लड़की बार बार ये घर में प्रसाद भी नहीं ले जा रही थी, ये लड़की सारा खा लिया इसने। नहीं फिर आपने बचा दिया था, चाबी देना ऊपर। तो गाइस वो उधर चाबी मांग रहे हैं और उन्हें हम चाबी दे रहे हैं। सको से हमारे फ्रेंड हमारी फैमिली से क्या कहना चाहते हैं बताइए आप। तो गाइस आपको हम एक चीज दिखाते हैं, तो ये देखो। अरे गाइस ये पड़ी है साबुन। तो गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी 7 के पार हो चुके हैं और गुरु नानक जी की कृपा से 10 के भी हो जाएंगे, क्योंकि 7 के से तो पार हो गए हैं हमारे। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। तो गाइस हम मिलते हैं आपको यार थोड़ी देर में, लड़की ने परेशान कर रखा है बिल्कुल, रील बनाओ रील बनाओ रील बनाओ। तो हम बना रहे हैं इसकी रील और ब्लॉग बनाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि वहाँ पे चीड़ का पेड़ है जहाँ से हम आए थे, तो वहीं पे थोड़ा खोला वगैरह वहाँ से हम फोटो शूट करेंगे और ब्लॉग भी बनाएंगे। तो कुछ नहीं गाइस, रश्मि बना रही है रील साली और साडू की, तो यहाँ पे रियांशी हो गई है गुस्सा बहुत ज़्यादा। रियांशी क्या हुआ, मम्मी ने वीडियो नहीं बनाया, चला जा मेरे साथ बनाएगी, चला। ये देखो गाइस कितना नाराज हो गई है, हो गया है ये। आओ आओ चला लग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे। तो गाइस फाइनली हम लोग चल दिए हैं घर की तरफ और हमारा फोटो शूट और रील वगैरह हो गई है। अब जो ये चाबी दे रखी है ये हमें जमा करनी है, और ऊपर कमरा भी साफ करने गए हैं लोग। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बाइक की तरफ, क्योंकि बाइक हमने आगे स्टैंड पे खड़ी कर रखी है। फिर उसके बाद हम मन तो हो रहा था कि देवी दुरा मंदिर में जाएं, पर वहाँ पे काफ़ी रात हो जाएगी, हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम अगले शायद जाएंगे घूमने वहाँ पे कैंची धाम और नैनीताल रामनगर, सब जगह का टूर करना है अभी। तो आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल नीचे सब्सक्राइब कर ले, नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दे रखा है और बेल आइकन भी है,
और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें। तो लास्ट दर्शन है गुरुद्वारा मीठा साहिब, और तो हम चल रहे हैं घर की तरफ। और ये चाबी जो दे रखी है ये हमें आगे जमा करनी है और कल भी लेना है। और यहाँ से आप देख सकते हो इस तरफ का पूरा नया बना रखा है बिल्कुल ही, क्योंकि पहले तो ये था नहीं यहाँ से, यहाँ तक की बिल्डिंग और उस तरफ की बना रखी है गाइस, देख सकते हो आप लोग। और ये हमारा लंगर एरिया है जहाँ पे आप आओगे तो लंगर भी कर सकते हो। और बाकी पार्किंग स्थल हमारा आगे को बना हुआ है और यहाँ पे हम लाइन से गाड़ी वगैरह भी हम लगा सकते हैं गाइस। तो अगर आप अभी तक आए नहीं हो तो आप अगर आना चाहो तो चंपावत से सीधे डायरेक्ट ले सकते हो यहाँ के लिए। तो गाइस अब हम लोग कर रहे हैं आगे चाबी जमा, और हमारे साथ के भी आने वाले हैं कुछ लोग, तो उनके लिए शायद हमें रूम बुक भी करना पड़ेगा। अब हम उनसे बात करते हैं। अरे यार अंदर तो रख दूँ। तो गाइस हमने ये इधर चाबी रख दी है, तो आप देख सकते हैं यार। तो उनके लिए रूम कहाँ से वो कराएं रूम? तो गाइस आप देख सकते हैं इधर का व्यू। तो गाइस इस साइड में बिल्कुल नया बना रखा है रहने के लिए, और बाइक पार्किंग स्थल इधर कर दिया है। पहले तो उस साइड से था, नाले के तरफ से जाना पड़ता था हम लोगों को और ग्राउंड में बाइक खड़ी करते थे। अब पार्किंग स्थल यहाँ पे कर दिया गया है, तो देख सकते हैं गाइस हमारा, गाइस हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है और इधर साड़ू की बाइक है हमारी। तो वैसे भैया ढलान है थोड़ी। तो गाइस हमारी बाइक आप देख सकते हैं गाइस कल से यहीं पे रख रखी है, अब पता नहीं। चलो गाइस फिर हम, तो गाइस हम मिलते हैं आपको आगे की तरफ जहाँ पे हमारा थोड़ा फोटो शूट वगैरह भी होगा। तो इसी के साथ हम कर रहे हैं अपना गुरुद्वारा रीठा साहिब का ब्लॉग बंद, तो करते हैं। तो गाइस हमें ये बच्चे मिले छोटे छोटे, अगर आप कभी भी रीठा साहिब आओगे तो इन भाइयों के लिए थोड़ा टॉफ़ी और खाने के लिए सामान लेके आ जाना, क्योंकि ये भाई रोड में खड़े रहते हैं और टॉफ़ी मांगते हैं खाने के लिए। क्यों भाई? चलो बढ़िया है, ठीक है। अब आपके लिए कोई भी ब्लॉग देखेगा तो टॉफ़ी लेके यहाँ से आएगा, कोई भी आएगा तो दे दो, कल से दे दो। तो गाइस ये ले रही है लड़की, ले लो एक, उसको दे दो, ठीक है। तो इधर हाय कर दो भैया को, सब्सक्राइब। चलो ठीक है भाई। तो गाइस हम रीठा साहिब से ऊपर आके, काफ़ी ये वाली रोड है रीठा साहिब की, और इस रोड से हम लोग जाएंगे। और गाइस यहाँ की खेती देखो एक बार, सीढ़ीदार खेती गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे दुकान है मोड़ पे ही, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ से। और ये है हमारे साथ के, हमारे साड़ू और साली और रश्मि भी यहीं पे है। तो अब हम निकलते हैं घर की तरफ। क्या कर रही भाई? तो गाइस इधर देखो कैसी हो गई है, गंजा टायर हो गया है इसका। देखो ये वाला टायर अच्छा है और आगे का टायर बिल्कुल गंजा हो चुका है, और गाड़ी की हालत आप देख सकते हो कैसी है। तो गाइस साड़ू ने तो नया टायर डलवा लिया था पीछे, और आगे इनका तो अच्छा टायर था। तो पीछे क्या खा रही है तू? भूख ज्यादा भूख लगी है? कैसी सरवारी है यार। तो रियांशी हाय कर दो। हाय कर, हाय करो ऐसे। क्या खा रही है रियांशी? बम बम। ओ हो, चलें फिर घर, घर चले हैं जी। खा रही है क्या है ये? चाउमीन है। चलें फिर घर, चले ना जाए। तो चलें चलो। तो गाइस हम चल रहे हैं चंपावत, फिर उसके बाद हमें घर भी जाना है। तो आप इधर का व्यू देख सकते हैं गाइस, कितना सुंदर नज़ारा गाइस। और वो देखो गाइस एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो गाइस
पेड़ में, और वहाँ पे संतरे लगे हुए हैं गाइज, आप दिख रहा होगा आपको गाइज, वो ये देखिए गाइज, एक रोड ये वाली है गाइज जहाँ से बिल्कुल पत्थर ही पत्थर हैं। तो हम इस वाली रोड से तो नहीं जाएंगे, हम जाएंगे चंबावत वाली रोड। तो फाइनली गाइज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं फोटो शूट कराने के लिए, और आगे कुछ हमें यूनिक दिखा, तो गाइज फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। और ये इधर पता नहीं क्या बना रखा है, पत्थर का बनाया शायद गाइज, अगर आप आओ कभी तो इस पत्थर पे ध्यान देना, एक कैसा। तो गाइज आप ये चेक कर सकते हैं, तो गाइज आप ये चेक करके बताएं। और हम तो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अभी, और ये देखिए कितना प्यारा दृश्य है इसका गाइज, आप देख सकते हैं इसको। और हमारे साथ के लोग वो आ रहे हैं और उधर हैं थोड़ा, तो हम यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट कराएंगे जान। तो गाइज ये देखो कितने प्यार से बैठ रहे हैं ये लोग यहाँ पे, इनके लिए लगता है खाना लाना पड़ेगा यहाँ पे, हमें होगा ना यहाँ पे खाना उना खाने के लिए। देख सकते हो गाइज डॉग कितना प्यारा है गाइज, और सबसे ज्यादा गाइज हमें यूनिक लगा ये, आप देख सकते हो गाइज कितना प्यारा ड्राइंग कर रखा है, ऊपर भी पत्थर नीचे भी पत्थर, ऊपर जीप के लिए डंडा भी लगा दिया भैया ने, कहने का मतलब रौनक बना दिया इस चीज को गाइज, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे कुछ लोग गए हैं जो फोटो शूट कर रहे हैं, और ये हैं यहाँ पे। तो गाइज हमने फोटो शूट कर लिया यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कुछ हमारे भाई लोग मिले हैं, तो हम इनसे आपकी बात कराते हैं। तो सर आप कहाँ से आए हैं अभी? हम सर लखनऊ से आए हुए हैं, और बड़ा अच्छा लगा जी। हम जब वहाँ से चल करके यहाँ तक आए पहाड़ तक तब हमको लगा था कि यहाँ पर शायद ही कोई मिलेगा जी, लेकिन सौभाग्य हमारा कि हमारे साथ में आप सभी लोग हैं जी। और हम उत्तराखंड से बेहद प्यार करते हैं जी, क्योंकि हम लोग रहते उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ वादियाँ और यहाँ के मौसम हमको बहुत प्रिय हैं, और हम लोग चाहते हैं, हमको लगता है कि शायद हम पिछले जन्म में शायद उत्तराखंड वासी ही होंगे जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सर का यूट्यूब चैनल भी है सर, अपना जैसा एक हमारा यूट्यूब चैनल है जी, जिसमें कि हम धर्म से संबंधित सारे वीडियो डालते हैं जी। और आप सब लोग उस यूट्यूब चैनल पर जरूर जाइएगा। और एक हमारा पर्सनल चैनल है जो कि व्लॉगिंग है, लेकिन हम अपना प्रमोट धर्म जिज्ञासा ही करते हैं, और धर्म जिज्ञासा आपको यूट्यूब पे मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा, साथ में इंस्टाग्राम पे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो दोस्तों भैया ने जैसा बताया कि हमारा उत्तराखंड हंसी वादियों की जगह है, तो आप इस जगह में जरूर आए। और गाइज हाँ ठीक है भैया बाय। तो गाइज इनको आप देख सकते हैं, ये फोटो शूट में लगे हुए हैं, और शायद लगता है कि इन्हें घर नहीं जाना है, आप देख सकते हैं गाइज कितना खतरनाक फोटो शूट हो रहा है गाइज यहाँ पे। ये हमारे कैमरा मैन है रश्मि राणा, और इधर ये फोटो शूट करा रहे हैं अपना गाइज। तो देखिए साली उधर लड़ रही है कि साड़ू से गरीब मेरे लिए अच्छा वाला चश्मा लेना, पता नहीं चश्मा ले रखा है, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। तो ये भी कह रही थी चश्मा चाहिए इसे, पर इसके पास चश्मा है ऑलरेडी, ले रखा है मैंने इसके लिए गाइस। तो हम चल रहे हैं आगे, क्योंकि हमारी बाइक आगे खड़ी है, और ये थोड़ा फोटो खींचने के लिए जगह थी, प्लांट थी बड़ी अच्छी मस्त, वादियाँ थी यहाँ पे हंसी। तो रीठा साहब आओगे तो यहाँ पे काफ़ी ठंड लगती है, इसलिए स्वेटर वगैरह जो भी है लेके आइयो। तो यहाँ सब कुछ लाके आना है, तो ठंड हुई। हाँ तो आगे हमें भैया भी मिले, और यहाँ पे नाश्ता वगैरह चाय वगैरह जो भी है मिल जाता है, अगर आप आओगे यहाँ से तो यहाँ पे मिल जाएगा होटल भैया का। और तो गाइज
यहाँ पे भी सारा सामान है, शॉप वगैरह भी अभी आ गई यहाँ पे, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये खेती खान के मोड़ पे ही जस्ट मिलता है ये दुकान है गाइस, आप देख सकते हो इधर खेती खान का बोर्ड लगा हुआ है, और हमने इधर बाइक पार्क कर रखी है, एक आगे भी कर रखी है, और ये छोटी सी भैया की दुकान है, और इसके पीछे हसीन वादियाँ का, जहाँ हम फोटो वगैरह रील्स वगैरह रील्स और फोटो बनाने गए थे। तो इसी के साथ अभी हम कर रहे हैं अपना ब्लॉग बंद और हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। ठीक है गाइस, तो गाइस आप देखो इधर का नज़ारा कितना प्यारा, हसीन वादियाँ गाइस, हम इतने ऊपर रहते हो गाइस, आप वो देख सकते हो, वो दिख रहे हैं सफेद सफेद आपको दिख रहे हैं गाइस, वो यहाँ पे घर हैं। तो हमें गाइस यहाँ से जाना है नीचे, इस तरफ से ये रोड से नीचे जाएंगे गाइस, आप देख सकते हो गाइस, वो वहाँ से जाना है फिर बस्तिया गाँव आ गया, यहाँ से मेन हो गई, क्योंकि यहाँ से पहाड़ हमारा ख़त्म हो चुका है, यहाँ से पहाड़ एरिया पूरा ख़त्म हो जाएगा, बस इतना ही रह गया पहाड़, उसके बाद उस राउंड के बाद हम बस्तिया गाँव पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से प्लेन एरिया है बिल्कुल, उसके बाद हम टनकपुर बनबसा निकलेंगे गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं वो गाइस छोटे छोटे गाँव दिख रहे हैं गाइस, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, हमारे इधर ये रेस्ट कर रहे हैं गाइस। तो गाइस यहाँ का नज़ारा सही है फिलहाल, तो पूरा बढ़िया है होगा पूरा।